नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तर आप देख रहे हैं डेरा डॉग। मेरे पास है एसू जेनफोन मैक्स प्रो M1 और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं इस डिवाइस का कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फीचर्स। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद घंटी को दबाना मत भूलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है आपका मल्टी स्क्रीन का ऑप्शन। सिंपली आप यहाँ पर जाइए मल्टीटास्किंग में, वहाँ से अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन को मल्टी स्क्रीन करना है सिंपली ऐसे ड्रैग करके ऊपर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे से कोई भी आप एप्लीकेशन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर यूट्यूब में वीडियो भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ आप नेट भी ब्राउज कर सकते हैं। सो ये दोनों चीज़ आप एट ए टाइम कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो मल्टी विंडो ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन दिस डिवाइस। जल्दी से देख लेते इस डिवाइस में OTG सपोर्ट करता है कि नहीं। तो मैं जल्दी से OTG ड्राइव यहाँ पर लगा देता हूँ और जैसे आप देख पा रहे हो, लगाने के बाद संग संग यहाँ पर OTG आपका डिटेक्ट हो गया। तो OTG यहाँ पर आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ OTG से, देखता हूँ आपका वीडियो चल रहा है कि नहीं। जैसे आप देख पा रहे हो, जी हाँ, OTG से आप वीडियो प्ले कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप आराम से वीडियो प्लेबैक कर सकते हो OTG से। खाली यही नहीं है, मैं जल्दी से इसको निकाल देता हूँ और मैं लगाता हूँ एक वायरलेस माउस का डोंगल और देखता हूँ एग्जैक्टली वायरलेस माउस इसमें काम करता है कि नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लेफ़्ट क्लिक जो है, ये लेफ़्ट क्लिक काम नहीं कर रहा है। ये मैंने देखा है बहुत सारे डिवाइसेज में लेफ़्ट क्लिक आपका काम नहीं करता और बहुत सारे डिवाइसेज में आपका करता है। अगर आप चाहे तो होम स्क्रीन को भी रोटेट कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपका पोर्ट्रेट मोड है ऑटो रोटेट ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा नीचे, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका होम सेटिंग्स है। होम सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलता है अलाउ होम स्क्रीन टू रोटेट। तो जब भी आप अलाउ होम स्क्रीन टू रोटेट कर देंगे, उसके बाद अगर आप होम स्क्रीन में हैं और इसको अगर आप रोटेट करना चाहे तो ये वाला ऑटोमेटिकली रोटेट होगा। तो ये डेस्कटॉप के जैसा लगता है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन। तो अगर आप चाहे तो सिंपली कास्ट स्क्रीन ऑन करके नियरेस्ट जो आपका टीवी है, टीवी से आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपना जो आपका स्क्रीन है डायरेक्टली टीवी में शेयर कर सकते हो। तो ये वाला भी काफ़ी एक बढ़िया ऑप्शन है दैट यू कैन यूज़। इस डिवाइस में आपको एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिलता है जिसका नाम है आपका गो टू पे। गो टू पे एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, डेफिनेटली आप ऐड मनी कर सकते हैं, उसके बाद आप किसी को मनी सेंड कर सकते हैं, पासबुक चेकर्स कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डेटा कार्ड या फिर DTH रिचार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप थर्ड पार्टी कोई भी एप्लीकेशन नहीं चाहिए, डायरेक्टली आप गो टू पे इस्तेमाल करके यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करके आप ये बहुत कुछ कर सकते हैं अपने फ़ोन से। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है कुछ जेस्चर का ऑप्शन। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा सिस्टम पे। सिस्टम में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जेस्चर के एक ऑप्शन है। तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ जेस्चर के ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पर जेन मोशन बोल के यहाँ पर लिखा है, तो हम लोग जाते हैं जेन मोशन पे। तो इसको हम कर देते हैं टर्न ऑन। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, जब हम डबल टैप टू टर्न ऑन द स्क्रीन, उसके बाद डबल टैप टू वेक अप। सो यहाँ पर अगर डबल टैप करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाएगा, उसके बाद डबल टैप करते हैं तो फिर से ये अनलॉक हो जाएगा। तो ऐसा एक प्रोसेस है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कैमरा खोलना है तो सी डालने से आपका कैमरा ऑन हो जाता है, जैसे आप देख पा रहे हो। उसके बाद करते हैं डब्लू, तो ये जैसे स्क्रीन लॉक है, तो डब्लू करने से आपका जैसे मेरा आपका जो गूगल क्रोम है खुल जाएगा। तो ये जेस्चर्स आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इस डिवाइस में आपको मिलता है एक LED नोटिफिकेशन लाइट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो LED नोटिफिकेशन लाइट है, ये है आपका मल्टी कलर LED नोटिफिकेशन लाइट। सो यू डोंट बी डिसअपॉइंटेड एंड LED नोटिफिकेशन लाइट वर्क्स प्रीटी फाइन। तो कोई अगर आप रैंडमली नंबर डायल करते हो तो यहाँ पर जनरली नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं। तो आप डायरेक्टली डायलर से तो नेटिव वीडियो कॉलिंग नहीं कर पाएंगे, तो दैट्स अ बिट अनफॉर्चुनेट। अगर आपको वीडियो कॉलिंग करना है, आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा कॉन्टैक्ट्स पे। अगर आप कॉन्टैक्ट्स पे जाते हैं, वहाँ पर आपको जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है, तो कॉन्टैक्ट्स से आप वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। इस डिवाइस में आपको मिलता है कॉल ब्लॉकिंग का फैसिलिटी। उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा डायलर पे। डायलर पे जाने के बाद यहाँ पर ऊपर तीन डॉट मिलेगा, उसको आपको ऑन करना है। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका कॉल ब्लॉकिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप नंबर ऐड कर सकते हैं। नंबर ऐड करने के बाद उस नंबर से आपके नंबर पर कॉल या SMS नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट लेने का प्रोसेस एकदम सेम है, सिंपली आपको जस्ट ये वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को टैप करना है। टैप करने के बाद आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली आपका गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है गूगल वॉइस असिस्टेंस का सपोर्ट, जो काफी अच्छी बात है। लेट मी ट्राई इट। ओके गूगल, हाउ इज द वेदर इन कोलकाता? राइट नाउ इन कोलकाता इट्स 27 विद हेज। टुडे देयर विल बी स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म्स विद अ फोरकास्ट हाई ऑफ 36 एंड अ लो ऑफ 26।
इस डिवाइस में आपको मिलता है डुअल वोल्टी का सपोर्ट, मतलब अगर आप चाहे तो दोनों 4G वोल्टेज से इस्तेमाल कर सकते हैं और एट ए टाइम आपको दोनों 4G वोल्टी को इनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे दूसरे डिवाइसेज में जहां पर आपको एक सिम में वोल्टी का ऑप्शन मिलता है, दूसरा सिम ऑटोमेटिकली 2G हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों सिम को 4G वोल्टी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एड ऑन है। रिसेंटली इस डिवाइस में एक अपडेट दिया गया और उसके बाद अगर आप चाहे तो फेस अनलॉक का भी फीचर यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ साथ आपको फेस अनलॉक का भी फीचर मिलेगा, विच वर्क्स ऑलमोस्ट प्रिटी गुड इन फैक्ट। सो गाइस, ये था आपका एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो का कुछ स्पेशल फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो। इसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर ऑल्सो, विच इज twitter.jada15, एंड यू कैन लाइक माई फेसबुक पेज ऑल्सो। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। दिस इज योर होस्ट, मैं साइन अप फ्रॉम डेड। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।